वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है शरद श्रीवास्तव और आप देख रहे हो टेक टू रिव्यू चैनल। गाइस, आप में से बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा था कि आप लॉलीपॉप का स्टेबल कस्टम अपने सैमसंग गैलेक्सी S22 में इंस्टॉल नहीं कर पा रहे थे। आप में से बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा था कि वो इंस्टॉलेशन के बाद या वो बूट में ही अटक जाता है, यानी मतलब जब आप फोन को रिस्टार्ट करते हो, रिबूट करते हो, उसमें ही वो स्टक हो जाता है। वो प्रॉब्लम था, फिर बहुत लोग का इंस्टॉल नहीं हो रहा था। सो गाइज, उसके लिए मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लेके आया हूँ इस वीडियो को, तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सो गाइज, जितने भी लोगों का ये प्रॉब्लम हो रहा है कि वो अपने लॉलीपॉप कस्टम रोम को इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, जो कि सबसे स्टेबल कस्टम रोम है सैमसंग गैलेक्सी S22 के लिए, सो वो लोग गाइज सबसे पहले स्टॉक रोम को इंस्टॉल कर ले। स्टॉक रोम का इंस्टॉलेशन वीडियो आपको आई बटन पे आ गया होगा, तो वहां से आप वीडियो फॉलो करके स्टॉक रोम को इंस्टॉल कर लीजिए। स्टॉक रोम को इंस्टॉल करने के बाद गाइज आप CWM रिकवरी को भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे आपने स्टॉक रोम को इंस्टॉल किया, ठीक वैसे ही आपको CWM रिकवरी को इंस्टॉल करना है। बस आपको स्टॉक रोम वाली फाइल की जगह पे CWM रिकवरी की फाइल यूज करनी है। CWM फाइल की रिकवरी और स्टॉक रोम फाइल की रिकवरी जो है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और साथ साथ आई बटन पे वो वीडियो भी है जिसको फॉलो करके आप स्टॉक रोम को इंस्टॉल कर सकते हो। अगर यकीन मानिए, अगर एक बार आपने सैमसंग गैलेक्सी S22 में लॉलीपॉप का स्टेबल एक्सट्रीम बिल्ड इंस्टॉल कर लिया, सो गाइज उसके बाद आपका फोन बहुत ही स्मूथ तरीके से चलेगा। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि उनके फोन में गेम लैग कर रहा है, सो गाइज वो जो प्रॉब्लम है वो भी इस कस्टम रोम के साथ सॉल्व हो जाती है, क्योंकि कस्टम रोम बहुत ऑप्टिमाइज्ड है। सो यहाँ पे पहले मैं जाऊँगा CWM रिकवरी में। सो गाइज, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं अपने CWM रिकवरी में आ चुका हूँ। सो गाइज, यहाँ पे आपको सबसे पहले जाना है वाइप डाटा स्लैश फैक्ट्री रिसेट में, और इसको वाइप ऑल यूजर डेटा कर देना है। सो गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पे वाइप शुरू हो गया है। सो गाइज, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारा जो डेटा वाइप है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सो गाइज, अब हम जाएंगे फिर से वाइप कैश पार्टीशन में और यस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे पावर बटन दबा के सेलेक्ट कर लेंगे और हमारा जो वाइप कैच है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो इन सबको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। और गाइज, यहाँ पे और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है CWM बेस रिकवरी वर्जन 6.0.3.7। अब गाइज, ये वाला ही कस्टम रिकवरी अगर आप कहीं बाहर से डाउनलोड कर रहे हैं तो आप यही वाला वर्जन का मैं रिकमेंड करूँगा, यही वाला वर्जन का आप कस्टम रिकवरी यहाँ पे यूज़ करें। हो सकता है कि आपका कस्टम रिकवरी दूसरे वर्जन का हो, जिसकी वजह से वो लॉलीपॉप का एक्सट्रीम बिल्ड आपके सैमसंग गैलेक्सी S22 में इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है। सो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हो कैच वाइप कंप्लीट। सो गाइज, अब हमें क्या करना है, हमको यहाँ पे जाना है इंस्टॉल जिप पे क्लिक करना, और फिर हमको क्या करना है, चूज जिप फ्रॉम SD कार्ड। और गाइज, हमें अभी लॉलीपॉप एक्सट्रीम बिल्ड वर्जन 2 को अभी इंस्टॉल नहीं करना है, हम पहले इसको रूट करेंगे, ठीक है ना। तो रूट करने के लिए आप सुपर यूज़र वर्जन 2.46 डाउनलोड यूज़ कर सकते हो, या फिर वर्जन 1.34 यूज़ कर सकते हो। उन दोनों का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इंस्टॉल एंड अपडेट, और यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंस्टॉल कंप्लीट हो गया है। तभी गाइस, मैं वापस जाऊँगा एकदम ऊपर वाले चूज जिप फ्रॉम SD कार्ड, उसके बाद अभी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे लॉलीपॉप एक्सट्रीम बिल्ड वर्जन 2 जिप, और फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इंस्टॉल। और आप देख सकते हो इंस्टॉलेशन जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। गाइस, इसमें टाइम लगेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी तो फाइल मूव हो रही है, पर इंस्टॉल ऑल फाइल्स टू सिस्टम में टाइम लगेगा। सो वेट कर लीजिएगा थोड़ा। और गाइस, मैं आपसे और एक बात यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि मेरी जो वीडियोस है उस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहा है, और आपको वीडियोस कुछ खास पसंद नहीं आ रही है। क्या आपने अपना सैमसंग गैलेक्सी S22 चेंज कर लिया, या फिर आपने अपना फ़ोन को चेंज कर लिया है? सो ये सीन है, मतलब आपने अगर अपना फ़ोन चेंज कर लिया, या फिर आप चाहते हो कि मैं किसी दूसरे फ़ोन के ऊपर ये सारी वीडियोज़ बनाऊँ, तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन सेक्शन, या फिर आप पर्सनली मेरे को मेरे इंस्टाग्राम में बता सकते हैं। गाइज़ प्लीज़ कॉमेंट कीजिए, गाइज़ प्लीज़ बताइए, क्योंकि अगर आप बताएंगे नहीं तो फिर मैं उस फ़ोन के ऊपर वो वीडियो कैसे बना पाऊंगा। सो गाइज, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखा के आप एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ भाई, हमें इस फ़ोन के ऊपर ये वीडियो चाहिए, या फिर हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसका क्या सोल्यूशन है। अगर सोल्यूशन जो है वो काफ़ी बड़ा है तो मैं वीडियो बना दूंगा, वरना कॉमेंट सेक्शन में भी मैं आपका रिप्लाई कर सकता हूँ। सो गाइज, प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए। सो गाइज, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंस्टॉल फ्रॉम SD कार्ड कम्प्लीट हो चुका है। उसके बाद हम जाएंगे वापस इधर गो बैक में, उसके बाद हम रिबूट सिस्टम नाउ पे क्लिक कर देंगे।
सो गाइस देख सकते हैं मैंने इसको सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। अब गाइस अब वेट इस बात का है कि ये ओपन होता है कि नहीं होता है। सो गाइस उसके लिए मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। और गाइस अगर आपको इस प्रोसेस में कभी कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी ऑप्शन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिए उस चीज़ को, तो अब ताकि मैं आपका रिप्लाई और आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो गाइस किसी भी चीज़ में तो मेरे को एक बार प्लीज़ पूछ लीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में, मैं हर किसी का रिप्लाई देने का कोशिश करता हूँ। और गाइस अगर आपने कॉमेंट किया और आपको रिप्लाई नहीं मिला तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी में भी मेरे से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। कई बार हो जाता है कि हाँ भाई कमेंट हम नहीं रिप्लाई कर पाते हैं, इतने ढेर सारे कमेंट्स आते हैं। सो गाइस प्लीज़ उस बात को समझिए और सपोर्ट दिखाइए यार अपना। और गाइस अगर आप लोग सैमसंग का ये जो बूट एनिमेशन है इसको चेंज करना चाहते हैं, सो गाइस उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, तो आप उसको जाके आई बटन पे देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी वीडियो है गाइस, आपको मार्वल डीसी और वहाँ पे कोई भी जो अलग अलग बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन के जो बूट एनिमेशन होते हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। एक बार आप उसको वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उसके बाद आप बूट एनिमेशन को इंस्टॉल करने का ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल स्टेप है गाइस, आई बटन में जाके वीडियो को देखिए, वीडियो के बाद भी इंस्टॉलेशन स्टेप बहुत ही सिंपल है, आप इजिली कर सकते हैं। और गाइस मेक श्योर, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि आपका फ़ोन जो है उसको आप 80% के ऊपर चार्ज कर लें। अगर आपका फ़ोन बूट में अटक चुका है ऑलरेडी तो आप पहले वाइप कर लें अपने फ़ोन को, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में वाइप दिखाया। वाइप करने के बाद आप कस्टम रिकवरी में ही अपने फ़ोन को ओपन करके चार्ज में लगा दीजिए और मेक श्योर कि आप अपने फ़ोन को अच्छे से चार्ज कर लें, क्योंकि अगर इसमें अगर आपका फ़ोन 80% के नीचे चार्ज होता है तब पर भी ये प्रॉब्लम देखी गई है कि तब पर भी ये जो कस्टम रोम है वो इंस्टॉल नहीं होता है। और गाइस ये कस्टम रोम पूरा ही स्टॉक रोम जैसा है, बहुत ही अच्छा है इसका मतलब इंटरफेस और बाकी चीज़ है। सो गाइस मेक श्योर कि आप इस कस्टम रोम को यूज़ करें। सो गाइस आप देख सकते हो कि मेरा जो यहाँ पे कस्टम रोम है वो इंस्टॉल हो गया है, और सेम प्रोसेस को गाइस अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका भी कस्टम रोम जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। गाइस आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिएगा और मेरे इंस्टाग्राम आईडी में भी पूछ लीजिएगा, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। और अगले वीडियो में गाइस मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे फ्री फायर को इंस्टॉल कर सकते हो अपने सैमसंग गैलेक्सी S22 में, और हम ये भी देखेंगे कि ये क्या हम उसको मतलब लैग फ्री खेल सकते हैं कि ज़्यादा लैग ना हो आपके गेम में। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में।